हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कल की बात आज हमने के निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में गाइस चेक किया कि नहीं किया। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का टारगेट इंटैक्ट, 700 से 800 पॉइंट का टारगेट अचीव्ड। और निफ्टी फ्यूचर्स में क्लियर कट 3 दिन से चल रहा था, ओनली थिंग फॉर द सेल। मूवमेंट नहीं आई है, बड़ा मूवमेंट आएगा, ओनली थिंग फॉर द सेल। एनी रेड कैंडल बाउंस, ओनली थिंग फॉर द सेल। और आज इंट्राडे में 500 पॉइंट का टारगेट अचीव्ड। आया मजा आया। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। अपना आशीर्वाद देते रहेगा। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने को बाध्य ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं चाहता हूं कि इस लेवल्स के माध्यम से आप सीखो, समझो और देखो कि किस तरीके से एनालिसिस होती है, क्या तरीका होता है मार्केट में एनालिसिस करने का, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में, ट्रेडिंग की लाइफ में, आप इसमें से बेस्ट ले सकते हो। और अगर आपको 1% भी हेल्प हो रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये स्ट्रैटेजी में होगा। चलिए स्टार्ट करूंगा और आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अच्छे कमेंट्स हमारे पास आए थे। मैंने कहा कि चलो आपको मैं दिखा दूं। कमेंट क्या था सर, मार्केट में आप जैसे एक्यूरेट एनालिसिस नहीं देखी है, वो भी इंट्राडे टारगेट के लिए। ये हमारे फीडबैक्स हैं, तो प्लीज आप लोग का एक एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। प्लीज आप देते रहिए दुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको एडवांस प्रोडक्शन में टॉप लेवल बताया था और क्लियर कट बताया था 22,576.47 के रेंज में आपको सेल करने का सोचना है। टॉप से बताया, आप देख सकते हो कि यहां पे 11 मार्च को भी कह लो, 7 को भी कह लो, 6 मार्च को कह लो, ये बैक टू बैक 3-4 दिन से ओनली थिंक फॉर द सेल कर रहा हूं। और आज अगर इंट्राडे की बात करूं, मैंने आपको बताया था कि भैया 22,347 का लेवल, ये एक जोन जहां पे हो सकता है मार्केट डेड कैट बाउंस दे, जिसने इससे पहले मार्केट ने डेड कैट बाउंस दिया और दोबारा इसी जगह से। सर बहुत जरूरी है आप लोगों को चीजों को समझना, बिलीव करना, क्योंकि जब तक बिलीव नहीं करोगे ना, मैं कुछ भी बताऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि यार बिलीव कर सकते हो किंग रिसर्च को, तो ही प्रॉपर फॉलो करना। सर 10 दिन कम से कम किंग रिसर्च के लेवल्स को फॉलो करो, क्योंकि तुक्का 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलेगा। हो सकता है आज तुक्के से हमने दे दिया लेवल्स, लेकिन सर बैक टू बैक 10 दिन लेवल्स अगर आप मेरे फॉलो कर रहे हो, रोज तुक्के तो नहीं लगेंगे ना। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब नोटिस करना सर, 370-347 का लेवल दिया था कल कि बाई चांस इस जोन पे आएगा तो मार्केट में डेड कैट बाउंस आएगा। देखो 12 तारीख को मार्केट ने इसी जगह से बाउंस बैक दिया था, आज भी 13 तारीख को मार्केट गैप अप खुली, सीधे गिरता चले गया, मार्केट ने इसी जगह पे रिस्पेक्ट करके पिन पॉइंट यहां से बाउंस बैक देने की कोशिश करी। और ये छोटी मोटी बाउंस बैक नहीं है मेरे दोस्तों, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की बाउंस बैक है ये निफ्टी फ्यूचर्स में। एनीवे अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने ट्रेंड लाइन भी आपके सामने खींची हुई थी कि भाई ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट ने देखो इसी जगह पर ट्रेंड लाइन पर इसको रेजिस्टेंस बनाया और रेजिस्टेंस बनाने के बाद धाराशाही दोबारा मार्केट इसी जोन पर फिर डगमगाया। आया अटका, आया अटका, आया अटका। बायर्स एंड सेलर्स आपस में दोनों फाइट करते रहे इसी जोन में, क्यों, कैसे, किस लिए, ये क्या मैजिक है? ये कोई न्यूमरोलॉजी तो नहीं है मेरे दोस्त? यही मैं आपको सिखाने की बात करता हूं, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, बिल्कुल करता होगा, लेकिन ये कुछ हटकर मैं सिखाने की बात करता हूं। तो इसी जगह पे फिर जब रिजेक्ट आया, भाई याद है 22,347 इंट्राडे, इसके नीचे 10 मिनट भी सस्टेन करेगा बिंदास सेल करो। पहला टारगेट क्या बताया था 22,170 का, 147 का बताया था, 200 पॉइंट का पहला टारगेट अचीव्ड। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। ब्रेकडाउन, सेकंड टारगेट 22,047 अचीव्ड, कितने पॉइंट का, 300 पॉइंट का इंट्राडे टारगेट, और यहीं से फिर डेड कैट बाउंस आया। दिस इज पावर लक्ष्मण रेखा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर 1% पे हेल्प हो रही है सर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्लीज कमेंट करिए। सर आप लोग के कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, सिर्फ आपकी आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, वही तो मैं मांग रहा हूं। अगर आप वो भी नहीं दे सकते, चलिए फिर इसको पेड कर देते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन कर देते हैं कि चलिए मंथली आप 25,000 रुपए इसके लिए पे करिए, जो पे करेगा उसके लिए कल की बात आज देंगे, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं वो चीज तो नहीं कर रहा हूं, 723 एपिसोड आज का रिकॉर्ड कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए। तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं, प्यार देना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। बाय डिफॉल्ट बोलना, बिना बोलू ना बोलू, बाय डिफॉल्ट आपको करना है सबसे पहले वीडियो देखने से पहले, ठीक है। चलो रात गई बात गई, अब कल क्या करें सर ये बताओ, ध्यान से समझना। एक छोटा सा डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट सर आप नोटिस करो, जो टॉप का लेवल दिया था मैंने 22,570 से मेड लो 22,000 का, यानी कि 500, 550 पॉइंट की ये जो गिरावट आई है,
तो ये नॉन स्टॉप तो मार्केट नहीं गिर सकता कि भाई गिरता चले जाएगा, 500 पॉइंट कल भी गिर जाएगा, 500 पॉइंट परसों भी गिर जाएगा, पॉसिबल तो नहीं है। तो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा फिर गिरेगा, फिर रिट्रेस करेगा फिर गिरेगा, फिर रिट्रेस करेगा, अगर चढ़ाएगा तो ऐसे रिट्रेस करते करते ही चढ़ाएगा। तो अब इतनी बड़ी 500 पॉइंट की गिरावट के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक रिट्रेसमेंट दे यहां तक, जो हमारा ये सपोर्ट का काम कर रहा था, नाउ इट विल बिकम अ रेजिस्टेंस, जो आप टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते हो, बट ये न्यूमरोलॉजी का मेरा टेक्निकल एनालिसिस है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो एनी डेडिकेट बाउंस, एक छोटा सा डेडिकेट बाउंस आपको देखने को मिल सकता है 22147 का, अगर इसके ऊपर मार्केट कल 10 मिनट सस्टेन कर गई तो एक छोटा सा बाइंग करने की कोशिश करेंगे, स्विंग लो यानी कि 22047 का टाइट स्टॉप लॉस लगा के इसके ऊपर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट 22,347, 22,370, ग्राफ फ्रॉम द मार्केट एंड सेट रिलैक्स। दोबारा हल्का सा और ऊपर चढ़ाई करी इसने, यानी कि 22,470 के या 22,570 के आसपास आए तो इस जोन में दोबारा सेल करने का सोचेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, सेम टू सेम आप अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे खोल के इन एनालिसिस को लगा लो, जो लक्ष्मण रेखा बनाता है एज इट इज इन लेवल्स पर बना लो और देखो 10 दिन, 10 दिन कम से कम फॉलो करो, देखो समझो कैसे काम करता है, वाकई में काम कर रहा है, आंख बंद करके कुछ नहीं ट्रेड करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हो सकता है इन लेवल्स को मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूं और मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, और हो सकता है इन्हीं लेवल्स के ऊपर जिन लोगों ने हमारा व्हाट्सएप सर्विस ज्वाइन किया हुआ है, आज हमने पुट में उनको काम कराया था, पुट में काम कराया था, कैन यू बिलीव इट। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि मैंने पुट में दिया क्या था, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, ये देखिए दोस्तों, देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बोलता हूं जो लोग नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, हमारी सर्विस ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, जहां पे सुबह सुबह अपना छोटे मोटे एनालिसिस हम लोग करते हैं और आपको लेवल्स देने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर टारगेट, ये एक इंडेक्स एचएनआई सर्विस है जिन लोगों ने हमसे ली हुई है, ठीक है। जहां पे 47,500 का पुट हमने 300 रुपए में बोला था, 193 पे हमने बोला था एसएल होगा और 500 पॉइंट का पहला टारगेट दिया था, एक्टिवेट हुआ, आप सामने देख सकते हैं, हमने बोला कि भैया 425 से 430 पे अपना प्रॉफिट बुक करो, जो छोटे ट्रेडर हैं एक दो चार लॉट पे जो कर रहे हैं उनके लिए, रेस्ट होल्ड फॉर ट्रायल एसएल एस कॉस्ट टू कॉस्ट। आप बिलीव करोगे 470, उसके बाद बिलीव करोगे कितना गया है, बोलने की दरकार नहीं है सर। आप टाइमिंग देखना, सुबह 11:24 पे मैंने सेल बता दिया, बाकी आपको पता है मार्केट का लो बना क्या है सर, आप यू कांट इमेजिन दिस इज आवर परफॉर्मेंस, आप ये चेक कर सकते हो, ये सारे लेवल्स हम अपने क्लाइंटों को देते हैं जिन लोगों ने हमसे व्हाट्सएप सर्विस ली हुई है। एनटीपीसी सुबह सुबह 340 का पुट में मैंने काम करा दिया था, बोला था 9 रुपए में बाइंग करें, 6.60 रुपए का एसएल, टारगेट 10, 12, 15 का, ये भी आप एनटीपीसी पे जाके चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, एनटीपीसी 9 रुपए से 10.70 रुपए तक हो गया, वहां पे हमने प्रॉफिट बुक कराया। तो ये इस तरीके की सर्विसेस हम लोग आपके लिए देते हैं। देखिए सर, कई सारे लोग बोलेंगे सर टिप्स खराब है, अच्छा है, बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर खराब है अच्छा है बुरा, ये आपको समझना है, मार्केट में 10 तरीके के लोग होते हैं, 10 के 10 तो खराब भी हो सकते हैं क्या, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं अपना एनालिसिस करता हूं, जो मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, पहली चीज मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है बट वो एडवाइजरी चला रहे हैं, वो कॉल्स देते हैं मेंटरशिप के नाम पे, आपको कॉल्स देते हैं और आप उस पर ट्रेड करते हो, लॉस करते हो, कोई जवाबदारी नहीं है। यहां पे मैं सभी रजिस्टर्ड हूं, यानी कि मेरे पास लाइसेंस है एडवाइजरी देने का, यानी कि अप्रूव्ड हूं कि मैं एडवाइस दे सकता हूं। अब रह गया प्रॉफिट लॉस, नोबडी विल गिव यू द गारंटी कि आपको प्रॉफिट होगा, मैं भी नहीं दे सकता कि प्रॉफिट होगा ही होगा या लॉस होगा ही होगा सर, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट। हम अपना बेस्ट रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, कई बार अच्छा रिवॉर्ड आता है, कई बार लॉस होता है, उसको एक्सेप्ट करना है, बट देयर इज नो गारंटी, नो वारंटी कि पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन कम से कम धोखा थोड़ी तो नहीं है। आप सोचो, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं क्या वो सभी रजिस्टर्ड है, क्या उसके पास लाइसेंस है एडवाइजरी करने का, फिर भी आप उनको फॉलो करते हो। मार्केट में हजारों ट्विटर में लोग हैं, टेलीग्राम हजारों के तादाद पे खुले हुए हैं, व्हाट्सएप हजारों के तादाद पे खुले हुए हैं, आप बस वेट करते हो किसी का मैसेज आ जाए, किसी का कॉल आ जाए, मैं फटाक से ट्रेड कर लूं, भाई इनका लॉस होता है ना, कोई जवाबदारी नहीं है। यहाँ पे कम से कम प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एनालिसिस होती है, प्रॉपर तरीके से रूल्स को फॉलो किए जाते हैं, उसके बेसिस पे आपको रिसर्च बेस्ट टू बेस्ट निकाल के देनी दी जाती है, फिर आपका एक्सपीरियंस है। मैं कभी नहीं बोलता कि सर आपको एडवाइस देना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, फंस रहे हैं, तो आप एक हेल्प ले सकते हैं, एक महीने की छोटी सी सर्विस ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि वाकई में आपको हेल्प हो रही है कि नहीं, नहीं हो रही है आप मत लीजिए, हो रही है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
जब हम ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा सही है क्या गलत है। सिंपल सा मेरा कोशिश है। तो जिन लोगों ने हमारे साथ व्हाट्सएप सर्विस ली है आज उनको थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा भाई, जरूरी नहीं कि रोज मिलेगा ऐसा प्रॉफिट, आज मिल गया होगा। तो बस बाकी आपके ऊपर है भाई, समझदार हो आप हो राइट। सो अब इंपॉर्टेंट क्या है, कल की रणनीति बता दूं, 22,147 निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल अगर इसके ऊपर आएगा क्लोजिंग करेगा तो एक डेडिकेट बाउंस आपको देखने को मिल सकता है 22,347, 22,370 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, गेट ऑफ फ्रॉम द पोजिशन। क्योंकि मार्केट में इसके बाद एनी डेडिकेट बाउंस मैं सिर्फ और सिर्फ सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, वो लाइव एनालिसिस मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का चार्ज नहीं करता। प्लीज कम एंड जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप जुड़ जाएंगे तो बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा, डिस्कशन बॉक्स में लेके वहां पे आप जुड़ जाएगा। तो लाइव मार्केट में भी आपको यहाँ पे कुछ करना होगा नहीं होगा, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, व्यू बताने की कोशिश करूंगा, मार्केट यहाँ से लग क्या रहा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डन। अच्छा बाई चांस यहां से पैनिक होता है जो कि इसका 22,047 लक्ष्मण रेखा है जो ब्लू लाइन में खींचा हुआ है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक टारगेट आएगा 21,947 और 21,870 तक का टारगेट हो सकता है, और इसी जोन में एक अपॉर्चुनिटी बाइंग का हम लोग बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। क्लियर? बाई चांस 870 का लेवल टूट गया, 21,870 का लेवल टूट गया, फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्लड बाथ आपको देखने को मिलेगा जो कि करीब करीब 200 से 300 पॉइंट का हो सकता है। वो मैं आपको लाइव एनालिसिस करके स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च, बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट जब भी मैं लाइव हूं आप लोग के लिए आपको प्रॉपर मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए, और वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगी आपको करना क्या है, किस तरह से आपको मार्केट में सोचना है, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, डील। अब आ जाओ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको एडवांस में बताया था कि ये जो जोन है ओनली थिंग फॉर द जोन, मार्केट इसी जोन से मार्केट गिरता आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 47,856 के नीचे बिंदास सेल करेंगे। देखो सर 12 तारीख को मार्केट ने इसी के नीचे सेल किया, मेरा पहला टारगेट था 256 का टारगेट अचीव, दोबारा डेडकेट बाउंस हुआ, मैंने बताया था कि भैया पहला टारगेट ये है सेकंड टारगेट ये है। तो आज बैंक निफ्टी कह लो कि एक 13 तारीख को यहाँ पे खुला, एक आराम से धीरे धीरे गिरता रहा, जो बैंक निफ्टी ने गिराया क्योंकि वो 2-3 दिन से गिर नहीं रहा था और निफ्टी गिरे जा रहे थे, तो आज बैंक निफ्टी नहीं गिरी, निफ्टी दबा के गिरी है, 2-3 दिन का सारा कसर आज निकाल दिया। लेकिन ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे गिर रहा है और बैंक निफ्टी को निफ्टी फ्यूचर्स का अच्छे से कनेक्ट कर रहा है। अब कई सारे सवाल आप लोग के मन में होंगे, सर अब तो हमारे सारे स्टॉक्स 10-10% गिरे पड़े हैं, कितने लोगों के पोर्टफोलियो में 10-10% के कितने स्टॉक्स हैं मुझे कमेंट करके मुझे बताना। भाई मेरे पोर्टफोलियो में नहीं नहीं मेरे तो 50 स्टॉक्स है जो 10-10% माइनस में चल रहा है, 10-10% माइनस में चल रहा है। क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, किस लिए करें, ये समझ से। तो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस, अभी कोई बाइंग नहीं करेगा, वेट एंड वॉच, जिस दिन हमारे सेटअप पे चीजें मिलेंगी मैं सामने से आपको लर्निंग दूंगा कि भैया अब ये स्टॉक हमारे सेटअप में आ रहा है, इसमें स्ट्रैटेजी बन सकती है, तब तक पैसा बचा के रखो, संभाल के रखो, क्योंकि मार्केट कितनी भी गिरावट आए जाना तो उसको ऊपर ही है, ऐसा रहो। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं सर, जब मार्केट सही मूड पे होता है ना, छोटे मोटे उसकी छटाई करनी जरूरी होती है, जब पेड़ अच्छा ग्रोथ कर जाता है ना, पूरा भर जाता है पेड़, तो उसकी कटिंग करना बहुत जरूरी होता है, कटिंग कर दोगे ना फिर वो शेप में हो जाता है, नेक्स्ट फ्रूट्स और अच्छे से देने की कोशिश करता है, होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए बस वो सभी थोड़ा सा कटिंग कर लिया, अच्छे से शेप में लाने की कोशिश कर रहा है कि आगे और जो बड़ा बूम आएगा, हो सकता है 25,000 का जो बूम आएगा निफ्टी के अंदर, तो उसके लिए वो कटिंग शटिंग करना बहुत जरूरी होता है, करेक्शंस करना बहुत जरूरी होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो वो एक मार्केट का पार्ट है, छोटा मोटा गिरावट है, चलता है, पार्ट ऑफ द गेम। आपका इन्वेस्टिंग किस लिए सोचा था, 1 साल के लिए सोचा था क्या? नहीं ना, सोचा था ना 5-10 साल 15 साल करूंगा, बने रहो ना, हम भी मार्केट में आप ही देखो मजा। एनीवे तो राइट, सो अब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। ये तो चलो हो गया, आपको 856 से 47,800 का टारगेट अचीव, ठीक है। अब यही जो लेवल है, जो लक्ष्मण रेखा है, इसी लक्ष्मण रेखा पे मैंने बुना हुआ ऑलरेडी बाइंग का रेखा है, लेकिन अभी कोई भी कंसेप्ट नहीं बनाया बाइंग करने का। बट इंपॉर्टेंट, आपने देखा जो हमारा लक्ष्मण रेखा है, मार्केट इसी जगह पे देखो कैसे डांस करता था, तो ये जो लक्ष्मण रेखा है ना 47,250 से ऐवे नहीं है हर लेवल। हाँ मैंने ये एग्जिट ही क्यों बनाया और एग्जिट मार्केट ने ही रिस्पेक्ट क्यों किया, ये आपको सीखना पड़ेगा, यही मैं आपको सिखाने की बात करता हूँ बार बार। उसके बाद टूटने के बाद वापस मार्केट ने इसी जगह पे जो पहले सपोर्ट था इसी जगह पर रेजिस्टेंस बना दिया। ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला नहीं है, ये भाई न्यूमरोलॉजी वाला है, ये कुछ गैम थ्योरी के ऊपर एनालिसिस है, तो प्लीज आपको ये समझना पड़ेगा राइट। अच्छा अब
ध्यान से समझना, एनी डेडिकेट अमाउंट 47 456 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, मैं कोई बाइंग करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। 456 के ऊपर 10 मिनट सस्टेन कर गया तो पहला टारगेट 47856, दूसरा टारगेट 48256, और इसी जोन में दोबारा सेल करने की अपॉर्चुनिटी होना चालू कर दूंगा। डन, चलो। अब बाय चांस मार्केट यहां से नीचे आता है, यानी कि 46856 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गई तो एक छोटा सा करेक्शन मैं कह रहा हूं 46456 तक का आपको देखने को मिलेगा, जो कि छोटा सा करेक्शन में 400 पॉइंट है। और अगर 456 का लेवल भी टूटा तो नेक्स्ट लेवल 45856 एंड 45456 तक होगा, और इसी जोन में आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी है। तो मार्केट में गिरते हुए मार्केट में मैंने आपको लोअर लेवल बता दिया, और अगर बाई चांस यहां से रेड कैंडल पास होता है एडवांस में टॉप बता दिया कहां से सेल कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी आपसे मैंने शेयर कर दिया, जो ऑप्शन साइडर है वो अपनी स्ट्रैटेजी बना के यहाँ पे काम कर सकते हैं, प्रीमियम एंटर कर सकते हैं, और बाकी आपके ऊपर है। अब मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं दिल से मेरे दोस्तों, आज हमारा जो कल की बात आज कह लो उसके ऊपर जो हमने एल्गो बनाया हुआ है ऑटोमेशन के अंदर, सर सुबह सुबह एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया, थोड़ा माइनस आया, फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, यानी कि करीब करीब 90,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा 11 बजे तक था। 90,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा 11 बजे तक था। एक शार्प फॉल आया, सीधे 90,000 से माइनस 20,000 रुपीज रह गया, सीधे 20,000 रुपए रह गया। उसके बाद देखो मजे की बात, उसके बाद वापस ग्राफ धीरे धीरे ऊपर आया, जो 20,000 था कॉस्ट टू कॉस्ट आगे 12 बजे तक, 12:10 तक आगे। उसके बाद देखो सर 12:30 बजे के बाद दोबारा वापस 90,000 रुपए तक का हमारा फिर से प्रॉफिट आ गया, सिर्फ 1:48 तक। और उसके बाद 9,000 रुपए प्रॉफिट रह गया। तो दो बार, फर्स्ट हाफ में 90,000, सेकेंड हाफ में 90,000 रुपीज का प्रॉफिट, दो बार बैक टू बैक आया। तो दिस इज पावर। ये मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो क्या होता है सर, कई बार एक बार एसएल हिट होने के बाद ना आपके जब एसएल उड़ जाते हैं मार्केट उठता ही नहीं है, आपके सेटअप उठता ही नहीं है। बट इस सिस्टम में फर्स्ट हाफ में भी रिकवर करने की कोशिश की, सेकंड हाफ में भी रिकवर करने की, सोचो इतने बड़े बड़े दो बार जो गिरावट है उसको एडजस्ट कर लिया, ये पावर है सेटअप के अंदर, राइट। तो अगर आप इस सेटअप के साथ जुड़ना चाहते हो सो मुझे व्हाट्सअप कर दें 8468811500। सो इसके अंदर जुड़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन इसकी कैपिटल होगी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज्यादा, यहाँ पे कम से कम 25 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए, तभी ये चीजें आपको जो मैं सेटअप दूंगा तभी आप उसमें काम कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपका स्वागत है, मुझे कॉल करिए 8468811500 पे, आप पूछिए तो आपको डेफिनेटली हेल्प होने की मिलेगी, राइट। सो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया भैया 9,000 रुपए का एम टू एम डेली बेसिस पर डालता हूँ, बॉस शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। जुलाई में से लेके अब तक का जो भी रिकॉर्ड है मेरे लाइव अकाउंट में इस सारी चीज में, अब तक मार्च में अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स, आई एम सो सॉरी मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता, बस मैं अपना परफॉर्मेंस बताना चाहता हूँ कि बॉस हम भी लॉस में जा सकते हैं यार, कोई भी जा सकता है, एवरीबडी कैन बिकम अ, मतलब किसी का भी लॉस होता है, एवरीबडी कैन बी अ लॉस, राइट। सो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इज कि एक सेकंड मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिस्टम को फॉलो करो। आज 13 तारीख है, 13 तारीख में ऑलमोस्ट 5% के ऊपर हमारा आरओआई चल रहा है, 5% के ऊपर कैपिटल जो इसमें डिप्लॉय है कंपाउंडेड करके 1.35 का, 1,35,00,000 रुपए का कैपिटल है जिसमें 5.5% के आसपास का आरओआई आ रहा है, नॉट अ बैड डील यार। यस फरवरी में हार्डली 8-6% का आरओआई आया था, जनवरी में 10.5% का आरओआई आया था, तो ये चल रहा है, छोटा मोटा हम लोग करते रहते हैं सर, एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, सेटअप भी करते रहते हैं, आप लोगों को सिखाने की कोशिश भी करता रहता हूँ। जिन लोगों ने मार्केट मंथन में हमारे इवेंट पे आए थे उन लोगों को, इनमें से एक सेटअप मैंने शेयर किया ऑप्शंस राइटिंग का, जिसपे आराम से महीने का एक छोटा मोटा आप बन सकता है, प्रोबेबिलिटीज की हाई है थोड़ी सी कि भैया हाँ 3-5% तक बन सकता है मंथली, तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ, प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं, तो सीखो आगे बढ़ो। हर सैटरडे संडे हम लोग आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस देता हूँ, किसी को 1 रुपया भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए नहीं देना है। सीखना है तो कुछ हटकर सीखना है जो दुनिया को नहीं पता, कुछ ऑपरेटर के मूव्स को सीखना है जो आप तक नहीं पढ़ाई जाती है। बुकिश नॉलेज अगर आप पढ़े हो तो वो पूरी दुनिया ने पढ़ी है, फिर सब नहीं कमा लेंगे, दिमाग लगाना।
राइट, तो कुछ एक्सपीरियंस वाली चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो खुद मार्केट में ट्रेड करता हूं उससे सीखना पड़ेगा, ना कि ऐरा गैरा लत्तू गैरा सब लॉस में बैठे हैं। फिर भी आप आजकल आप देख रहे हो स्कैम्स कितने बड़े बड़े चल रहे हैं, खुद मार्केट में लॉस में बैठे हुए हैं, मोटे मोटे लॉस में बैठे हुए हैं, लेकिन सिखाने की बात करते हैं। एजुकेशन से उन्होंने करोड़ों रुपए का छपा छाप लिए, करोड़ों रुपए छाप लिए, लेकिन प्रॉफिट नहीं कर रहे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो खुद ट्रेड करता हो, जो खुद थोड़ा बहुत कमा रहा हो सीखना उससे है, या जो लॉस कर रहा हो और वो सिखा रहा हो सीखना उससे। ये आपके ऊपर, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सीखना किससे है, राइट। सो थैंक यू सो मच। तो ये एनालिसिस आप ध्यान रखिएगा, लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन गया है, भगाइएगा मत, तो नहीं देखिएगा, और वीडियो को भगा के देखोगे तो साल आपका मेरा कह जाता, सिंपल सी बात। तो थैंक यू, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल अडवाइस डिस्कस करने के बाद ही इन लेवल्स पर ट्रेड करना। और हाँ, अगर सैटरडे संडे हमारे साथ जुड़ना है एक लर्निंग सेशंस के अंदर, तो प्लीज आप लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से लिंक है, उसके साथ अकाउंट ओपन करके सैटरडे संडे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए आपका स्वागत है। जय।